नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा, खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुला राशि के अक्टूबर माह के राशिफल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह सबसे पहले राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, इन चार ग्रहों का राशि परिवर्तन इस अक्टूबर माह में हो रहा है। बुध देव और शुक्र देव 2 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी बुध देव जो हैं वो वक्री अवस्था में तुला राशि से कन्या राशि में संचरण करेंगे और शुक्रदेव तुला राशि से वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 16 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर यानी कन्या राशि से तुला राशि में अपनी नीच की राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। बात करें मंगलदेव की तो मंगलदेव भी कन्या राशि से तुला राशि में संचरण करने वाले हैं, जो कि 22 अक्टूबर को संचरण करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ आपकी राशि के ऊपर से ग्रहों का गोचर अत्यधिक हो रहा है। बुध और शुक्र जो कि आपके राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं माह की शुरुआत में, और सूर्य मंगल भी आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर करना शुरू करेंगे। आइए जानते हैं क्या क्या इनके फल रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राशि स्वामी। तुला राशि के राशि स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का गोचर माह के शुरुआत में आपकी राशि से ही हो रहा है। उसके बाद शुक्रदेव 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। शुक्रदेव का आपकी राशि का स्वामी होकर धन भाव से गोचर एक शुभ गोचर माना गया है। हालांकि यहाँ शुक्रदेव केतु के साथ उपस्थित होंगे, जो आपको डिसीजन लेने में परेशानी पैदा कर सकते हैं। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप अपने जीवन से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं, या उस समय आपको ऐसी कंडीशन बन रही है, तो आप अपने से बड़ों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यहाँ डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। बात करें बुद्धदेव की तो बुद्धदेव यहाँ भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। बुद्धदेव भी आपके 2 अक्टूबर को अपनी वक्री अवस्था में कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो यहाँ जो भी जातक बाहर से बिजनेस कर रहे हैं या अपने जॉब और करियर को लेकर बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति एक सुखद स्थिति है कि भाग्य भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर एक शुभ गोचर रहेगा। साथ के साथ यहाँ तृतीय भाव के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, उनकी दृष्टि भी यहाँ द्वादश भाव पर पड़ रही है। अतः जो भी जातक भाग्य को आजमाने के लिए अपने यहाँ से, अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाह रहे हैं, अपने घर से दूर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए यह गोचर एक शुभ गोचर रहेगा। आइए बात करते हैं जॉब और करियर को लेकर। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दोनों बड़े ग्रहों का गोचर आपके दशम भाव के ऊपर से दृष्टि डाल रहा है। गुरु और शनि ये दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दशम भाव को देख रहे हैं, और साथ के साथ शनिदेव यहाँ आपके जन्म के चंद्रमा को भी देख रहे हैं, जो यानी कि आपकी तुला राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ गुरु और शनि का गोचर आपके कार्य क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। गुरु और शनि यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर आपके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सक्षम हैं, और यहाँ परिवर्तन आने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बात करें यहाँ पर बिजनेस की तो यहाँ सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, जो कि पहले से द्वादश भाव के अंदर हैं। मंगल का यह गोचर यानी जो भी जातक बिजनेस में फॉरेन कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर एक शुभ गोचर है। मंगलदेव 22 अक्टूबर के बाद में तुला राशि में आएंगे। यहाँ पर वे सप्तम भाव को देखेंगे, तो मंगल का यह गोचर भी आपके लिए शुभ गोचर रहने वाला है। आइए बात करते हैं धन की स्थिति को लेकर। यहाँ धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव यहाँ द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके धन के लिए एक अच्छा अनुभव नहीं रहने वाला, क्योंकि मंगलदेव द्वादश भाव में खर्चे के भाव में बैठकर आपके धन को खर्च कराने में यहाँ पूरे माह में आपको परेशान करते रहेंगे। हालांकि 22 अक्टूबर को यह मंगल आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, तो आपकी स्थिति या जो भी परेशानी आपकी चल रही होगी उसमें सुधार आएगा। बात करते हैं यहाँ पारिवारिक स्थिति की, तो गुरु और शनि यहाँ चतुर्थ भाव में विराजित हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय परिवार के अंदर महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं।
हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने पुश्तैनी मकान को लेकर भी यहाँ डिसीजन लिए जा सकते हैं। बात करें यहाँ पंचम भाव यानी हायर एजुकेशन की, यहाँ शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में गोचर एक शुभ गोचर माना गया है। इस माह में शनिदेव वक्री अवस्था में हैं, जो कि माह के मध्य के बाद में वक्री अवस्था छोड़कर अपना सीधे चलना शुरू करेंगे, तो यह शनि की स्थिति भी एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात करें हेल्थ की, तो यहाँ हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहने वाले, क्योंकि हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें तो शुक्रदेव का गोचर सबसे पहले तो अपनी ही राशि से है, उसके बाद वे धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी यहाँ दिखाई नहीं देती। ओवरऑल बात करें तो करियर में चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस के अंदर जो भी जब तक फॉरेन कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर एक शुभ गोचर रहेगा। 22 अक्टूबर तक धन का खर्च बना रहेगा, उसके बाद में उस स्थिति में सुधार होगा। जो भी जब तक जन्म स्थान से दूर अपने घर से दूर जाकर जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर एक शुभ गोचर है। पारिवारिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। धन्यवाद।